हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्क्वायर वाला टेबल मैट लेकर आई हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये वाला टेबल मैट बना करके बताया था, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप लोगों ने पूछा था कि इस तरह से चौकोर टेबल मैट कैसे बना सकते हैं, तो मैंने ये आप लोगों के लिए स्क्वायर वाला टेबल मैट बनाया है। तो ये वाला वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और मैं अगले वीडियो में ये इसका टेबल मैट लेकर आने वाली हूँ, ये वाले फ्लावर्स जो बनाने में बहुत आसान है और मैंने इनको एकदम सफाई के साथ बनाया है। तो मैं अपने अगले वीडियो में ये वाला टेबल मैट बनाना भी सिखाऊँगी। तो चलिए देखते हैं ये वाला टेबल मैट हमने कैसे बनाया है। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस लाल वाले बटन को दबा करके, और इस घंटी को दबा दें जिससे कि हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो सबसे पहले मैंने ये कार्डबोर्ड ले लिया है और मैंने जो ये ब्लू ऊन है ये डबल कर ली है और इसको हम कोने से लपेटेंगे। ये देखिए, फिर एक कील छोड़कर मतलब इसको हमें तिरछा तिरछा लपेटना है, एक एक कील छोड़कर। ये बनाने में इतना आसान है कि आप तो इसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना सकते हो, कोई टफ नहीं है इसको बनाने में। ये हमने एक बार ऐसे लपेट लिया इसको, अब हम इसको तिरछा कर लेंगे और जहाँ से हमने लगाया हुआ है, दूसरे वाली किल से लपेटेंगे हम इसको यहाँ से। आप चाहे तो पहली वाली पेंसिल भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे भी हमें ये एक कील छोड़ करके ऐसे इसको स्क्वायर स्क्वायर ये बना लेने हैं, तिरछा तिरछा लपेटना है हमें ये। इसी तरह से हम इसको भी लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया, देखिए। अब हम यहाँ पे इसको गांठ लगा देंगे ब्लू वाले ऊन को। और अब हम व्हाइट वाले ऊन लेंगे और जो कील हमने छोड़ी हुई है जैसे ऐसे ही इस पे लपेट लेंगे जैसे हमने ब्लू वाली लगाई थी। ये हमने व्हाइट वाली ऊन को डबल किया हुआ है और हम इसको 6-6 बार लपेट लेंगे इस तरह से, फिर आगे लाते हुए। इसी तरह से हम इसको, ये हमारी थोड़ी सी ऊन वाइट वाली पतली है तो हमने इसलिए इसको डबल किया हुआ है और 6-6 बार लगाया है। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप उसको डबल करके 5-5 बार ही लगाएं। इसी तरह से हम इसको भी पूरे में ऐसे ही लगा लेंगे। ये हमने ऐसे लगा लिया, अब हम इसको भी ऐसे ही तिरछा कर लेंगे जैसे कि हमने वो वाला किया था ब्लू वाला। अब इसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। जो हमारा व्हाइट वाला धागा है ये
ब्लू वाले स्क्वायर के एकदम बीचों बीच आना चाहिए। और ये जो हमारी फ्रेम के चारों ओर कीले हैं, ये एक एक इंच की दूरी पे लगनी चाहिए। अगर आप इनको छोटे बड़े साइज में लगाओगे तो ये टेबल मैट आपका ठीक से नहीं बन पाएगा। तो हमने ये इस तरह से लगा लिया है। अब हम इसमें जो वाइट वाला धागा है खाली, उसी में गांठ लगा लेंगे। हमें ब्लू वाले में गांठें अभी नहीं लगानी है, बाद में लगानी है। पहले हम खाली वाइट वाले में गांठें लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें गांठे लगाना भी बहुत ही आसान है। अब हम यहाँ पे इसमें गांठ लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें ये पूरे में गांठ लगा लेनी है। मैंने इस वीडियो को एकदम स्लो स्लो बताया है। आप लोग कभी कभी बोलते हैं कि मैम आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट बताती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो करके बताया है जिससे कि आप लोगों को जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाए। इसी तरह से हमें सभी में खाली वाइट वाली में गांठें लगा लेनी है सभी में। हमने ये गांठें लगा ली हैं वाइट वाली में, ये देखिए। अब हम जैसे हमारा धागा पहले लिपटा हुआ है ब्लू कलर का, हम उसी के ऊपर सेम टू सेम ऐसे ही एक बार और लगा लेंगे। पहले हमने दो दो बार किया था, इस बार हम चार चार बार लपेटेंगे। एक, दो, हमने धागा भी डबल किया हुआ है, डबल करने से जल्दी लिपट जाता है। दो, तीन और ये चार, चार बार हो गया। इसी तरह से हम ये चार चार बार करके दोबारा ऐसे ही लपेट लेंगे जैसे हमने शुरुआत में लपेटा है, ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह से हम लपेट लेंगे इसको। ये हमने लगा लिया। अब हम इसमें भी यहाँ पे जैसे हमने वाइट कलर से गांठें लगाई हैं, इसी तरह से हम इसमें भी गांठें लगा लेंगे बीच बीच में सभी में। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे भी इसमें गांठें लगा ली, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे वाइट के बीच में भी, और इस तरह से। और ये देखिए ये हमारे सब एकदम स्क्वायर के बीचों बीच आ रहे हैं। अब हम इसको काट लेंगे। अगर आपको दूसरा टेबल मैट नहीं बनाना है इसके ऊपर, तो आप इन सीकों को तोड़ करके आराम से ये टेबल मैट निकाल सकते हैं। मुझे इसके ऊपर और भी कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसको काट करके निकाल लेती हूँ। थोड़ा आराम आराम से ही काटे, नहीं तो ये धागे खिंच भी सकते हैं। तो मैं इसको आराम आराम से पूरा काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने चारों साइड से काट लिया है, और ये मेरा टेबल मैट जो है कितना सुंदर लग रहा है, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है, गांठे लगाना भी या कोई मुश्किल नहीं है। और देखिए बनाने में इसका लुक मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोगों को ये टेबल मैट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
थैंक यू। और आप लोग मेरे इस वाले वीडियो को भी लाइक कर दें, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जा कर के आप इस वाले टेबल मैट का भी वीडियो देख सकते हैं, और देख लिया है तो थैंक यू।